भारत ने तोड़ा चीन का रिकॉर्ड, आबादी के मामले में भारत बना नंबर वन देश। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। दुनिया में सबसे अधिक आबादी यानी जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए अब पहले नंबर पर आ गया है। ये खुलासा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ है। यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी अब 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि वहीं दूसरी तरफ 142.57 करोड़ के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। यानी अब भारत की आबादी चीन के मुकाबले 29 लाख ज्यादा हो गई है। वहीं इस लिस्ट में अब अमेरिका तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने बीते साल ही ये अनुमान लगा दिया था कि अगले साल तक भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि करीब 73 साल बाद भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 25% आबादी 0 से 14 साल के वर्ग की है, 18% आबादी 10 से 19 आयु वर्ग के लोगों की है, जबकि 10 से 24 साल तक के लोगों की तादाद 26% है। इसी तरह से 15 से 64 साल तक के लोगों की संख्या 68% है और 65 से ऊपर के 7% के लोग हैं। अगर चीन की बात करें तो 0 से 14 साल तक के बीच की इनकी जनसंख्या 17% है, वहीं 10 से 19 के बीच 12%, 10 से 24 साल के बीच 18% और 15 से 64 साल के बीच लगभग 69% है और 65 से ऊपर के लोगों की जनसंख्या 14% है। यानी भारत के युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है, वहीं चीन में हालत खराब हो गई है। चीन अपनी बूढ़ी आबादी से परेशान हो चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में 20 करोड़ लोग 65 साल से अधिक है। चीन की लगभग 40% आबादी 60 साल के ऊपर की हो गई है। यहाँ पर एक वक्त पर जनसंख्या काबू करने के लिए नियम बनाए गए थे। अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए चीनी सरकार रोजाना नई नई योजनाएं लेकर आ रही हैं। फिर भी चीन में लोग एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर रहे हैं। हालांकि बढ़ती आबादी का मतलब है देश में ज्यादा दबाव भी, इसका मतलब है ज्यादा बेरोजगारी, क्योंकि संसाधन उतने ही हैं लेकिन लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ ही ज्यादा जनसंख्या होने से भारत को कई फायदे भी होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा जरूर।